वेलकम बैक गाइज, द किंग ऑफ स्मार्टफोन इज बैक, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। मैंने आपको इंडिया की फर्स्ट अनबॉक्सिंग दिखाई थी, आज मैं गाइज एक डिटेल कैमरा टेस्ट एंड फुल कंपैरिजन करना है तीन पॉपुलर स्मार्टफोन्स के बीच में। वैसे H40 भी है, हमने भी इसका डिटेल टेस्ट कर रखा है। दोनों फोन के बीच में देखा जाए तो वैल्यू के हिसाब से, मनी के हिसाब से H40 नियो ज़्यादा अच्छी ऑफरिंग आपको देता है कंपेयर टू H40 के। लेट्स स्टार्ट विद द कैमरा। तीनों फोन में आप नंबर्स देख लीजिएगा क्या क्या सेटअप मिलता है। अब ये कैमरा सेंट्रिक फोन तो है नहीं, बिकॉज बजट में जितना ज़्यादा मिल जाए उतना ही बेटर होता है। फर्स्ट हम कलर एक्यूरेसी एंड डिटेल्स की बात करते हैं। मैं आपको डिफरेंट रैंडम शॉट्स दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई शॉट्स मैंने प्रो मोड में ले, जस्ट मैंने नॉर्मली सभी शॉट्स दिए हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कि रेडमी के शॉट्स आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर सिचुएशन में ये सैचुरेटेड फोटोज़ ज़्यादा दिखाती है। रियलमी ऑन दी अदर हैंड मोस्टली न्यूट्रल कलर दिखाता है, यानी कि जैसा आप देख रहे हैं अपने ह्यूमन आई से नियर अबाउट आपको वैसा ही कलर आपको दिखाई पड़ेगा। मोटोरोला में क्या है कि लाइक काइंड ऑफ मिक्स है, किसी सिचुएशन में यहाँ पर आपको सैचुरेटेड मिलता है, कहीं कहीं आपको न्यूट्रल मिल जाता है। एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन की बात करने की, डायरेक्ट सनलाइट की अगर आप सामने फोटोज़ लेते हैं तो रियलमी और मोटो में थोड़ा सा बर्न इफेक्ट आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रेडमी ऑन द अदर हैंड वहाँ पे लेटेस्ट सेंसर और न्यू सीपी की वजह से शॉट्स काफ़ी परफेक्ट दे रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दी मैक्रो फोटोग्राफी। रियलमी और रेडमी में क्या है कि आपको डेडिकेटेड 2MP का सेंसर मिलता है, लेकिन मोटो में अल्ट्रा वाइड के थ्रू आप पोर्ट्रेट मैक्रो शॉट ले सकते हैं, नॉट ही पोर्ट्रेट। एक्चुअल रिजल्ट्स की बात करें तो रेडमी एंड मोटो में क्या है कि फोटोज थोड़ी सी स्मूथ होती आ रही हैं, लेकिन रियलमी में टेक्सचर सबसे ज़्यादा मेंटेन है। एंड अगर हम डिटेल्स रिजोल्यूशन की बात करें, लाइक पिक्सल्स कुछ ज़्यादा मिले तो ऑफकोर्स जो कि मोटो अल्ट्रा वाइड से ले रहा है तो आप बेटर मैक्रो वहाँ से ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी पोर्ट्रेट। तीनों फ़ोन देखिए वैसे ठीक ठाक शॉट ले रहे हैं, कलर वलर सब में सही आ रहा, लेकिन अगर मुझे पर्सनली पिक करना हो तो रियलमी में ज़्यादा बेटर निकल गया है, बिकॉज जो कलर है वो जनरली नेचुरल दिखाई पड़ रहा है और एज डिटेक्शन और जो ब्लर है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने यहाँ पे रियलमी को पिक किया है। लो लाइट की बात करें तो गाइस यहाँ पे देखो रिजल्ट बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है। जैसे कि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मोटोरोला के केस में क्या है कि मुझे ओवरऑल शॉट इसका अच्छा लग रहा है, ज़्यादातर सिचुएशन में सही शॉट दे रहा है। रेडमी में क्या है कि थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ा दी जा रही है कहीं कहीं पे, और रियलमी में क्या है कि फोटोज़ ठीक है लेकिन टेक्सचर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अगर आपको बेटर टेक्सचर चाहिए जैसे कि आपने मैक्रो में देखा था तो रियलमी में है, ओवरऑल बैलेंस चाहिए जो ज़्यादातर टाइम सही ले दे शॉट तो मोटो है, और रेडमी भी ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो विनर आप मान सकते हैं वो मोटो को थोड़ा सा बेटर दे सकते हैं, बिकॉज ज़्यादातर जगह पे अच्छे शॉट प्रोड्यूस कर रहा है। जूमिंग कैपेबिलिटी किस फोन में अच्छी, आजकल सारे फोन आप देख रहे हो ना जूम पे बहुत फोकस करें, चाहे ओप्पो हो, चाहे IQOO हो, चाहे वीवो हो, सभी कुछ यहाँ पे भी जूम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे कम जूमिंग रेंज यहाँ पर दी गई है वो मोटो में दी गई है 8x, फॉलोड बाय रेडमी 10x एंड रियलमी में 20x। बेस्ट जूमिंग रिजल्ट आपको देखना है तो आपको रियलमी में बहुत ही सही शॉट मिल रहे हैं। 4x तक यहाँ पे आप लॉसलेस जूम ले सकते हैं बिकॉज ऑफ 200MP सेंसर, वैसे तो रेडमी में 200 है, लेकिन बेटर जूमिंग कैपेबिलिटी आपको मिल रही है यहाँ पे रियलमी में। तो समहाउ रियलमी अभी भी ओल्ड इज गोल्ड वाला हिसाब कर रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। एंड मूविंग फर्दर गाइस बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड की, तो देखो शॉट वैसे तो ठीक ठाक लग रहे हैं, 8MP से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मोटो में 13MP तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट दे लेगा विद द नेचुरल कलर्स। रियलमी में गए कि फोटोज़ बैलेंस्ड आ रही हैं, डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी है। रेडमी में गए थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। मूविंग ऑन गाइस, फर्दर हम बात कर लेते हैं वीडियोज़ की। तीनों फोन से आप मैक्सिमम 4K 30fps की वीडियो बना सकते हैं। तीनों फोन में आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है। लेट्स चेक आउट कि OIS कैसा है। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्मूथनेस जो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है वो आपको नजर आएगी। मोटो में इसका OIS सबसे स्मूथ है। रियलमी में कहे कि OIS उतना बढ़िया है नहीं, वीडियोज में आपको शेक थोड़ा ज़्यादा नजर आ सकता है। रेडमी में कहे कि देखो OIS तो ठीक है लेकिन यहाँ पे हल्का सा ना जिटर इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर ग्लिच कह सकते हैं। ये चीज़ें फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकती हैं। एंड कलर भी आप देखेंगे यहाँ पे तो मोटो में ओवरऑल काफ़ी परफेक्ट बैलेंस आउटपुट नजर आ रहा है। तो वीडियो के मामले में मोटो विद द बेटर OIS एंड द बेटर कलर रिप्रोडक्शन क्लियर विनर निकल के आ रहा है। सेल्फी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको अगेन कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि अगर हम सेल्फी शॉट देख रहे हैं तो मोटो एंड रियलमी में कहे थोड़ा सा डीसेचुरेशन ज़्यादा है, जबकि रेडमी में कहे कि शॉट ओवरऑल नेचुरल लुकिंग में आ रहा है, बेटर है। तो अगर आप जस्ट इंस्टेंट सेल्फीज एंड पोर्ट्रेट लेते हैं तो आपके लिए रेडमी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप कलाकारी करते हैं जैसे कि आपको थोड़ी सी वाइड सेल्फी चाहिए, ब्लर ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो वो ऑप्शन आपको मिलता है मोटो में। देखो मैंने आपको सारी फोटो की चीज़ें बता दी, ओवरऑल देखा जाए
कम प्राइस में जो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस फोटो वीडियो का दे सकता है वो अगेन मोटोरोला है। ज़्यादा सिचुएशन में अच्छा है एक्सेप्ट ऑन द जूमिंग कैपेबिलिटी, जहाँ पर रियलमी डेफिनेटली बाजी मार ले जा रहा है। अब गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्टर्स बताते हैं, फोन कंपेयर करते हैं इटसेल्फ, क्या फीलिंग आ रही यूज़ करने में। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मोटो। ये स्लिमेस्ट फोन आप मान सकते हैं IP68 सर्टिफिकेशन का। रियलमी में क्या है कि लाइक थोड़ा सा वाइड फ़ोन ज़्यादा है, बिग कैमरा लेंस है, ऐसा नहीं कि दिखने में ऑड लग रहा है आजकल इस साल, मतलब ये सेंटर वाले का ही कर्नर वाले छल्ले का जमाना ज़्यादा आ रहा है, तो अभी भी ये ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना बल्की वाली फीलिंग दे सकता है। Redmi क्या है कि सबसे ज़्यादा बल्की एंड हैवी फ़ोन है, थिक भी है और थोड़ा सा यू नो मस्कुलर फीलिंग इसमें ज़्यादा आ रही है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, बैक पैनल आपको पता है वीगन लेदर है, उसके ड्रॉबैक क्या है आप देख सकते हैं, ये नोचने पे निकल जाता है, हल्का सा कटवट लग गया आपके फ़ोन में, तो वो ये चीज़ें आपके फ़ोन को ख़राब कर सकती हैं। कि मोटो में क्या है कि आपको प्लास्टिक वाला ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे मिलता है, बट अगर आप वीगन लेदर जाते हैं ये चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं। ऑन दी फर्स्ट आप स्पेक्स पढ़ सकते हैं किस फोन में आपको कैसा डिस्प्ले मिल रहा है। वेल, डिस्प्ले की बात करें तो देखो यहाँ पे कई चीज़ें हैं। कलर आउटपुट से अगर आपको ज़्यादा मतलब है, लाइक कितना अच्छा कलर रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली रेडमी में दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द 68 बिलियन कलर्स यहाँ पे शार्पनेस बहुत ही ज़्यादा है, तो आउटडोर इनडोर हर जगह आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा नंबर्स पर चलते हैं, लाइक आपने लाइट वेट फ़ोन चूज़ करना है और आपको थोड़ा सा ना सैचुरेटेड कलर्स ज़्यादा चाहिए, जैसे कि होते हैं हल्के से डार्क पंच वाले, तो वो मोटो के डिस्प्ले आपको मुझे लगता है ज़्यादा मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, इन केस आपकी नीड ऐसी आपको मोस्ट फ्लूइड फ़ोन ही चाहिए, वैसे 120-144 में आप बहुत ही कम डिफरेंस देख पाएंगे, ज़्यादा है नहीं बिकॉज थोड़े से ही हर्ट्ज का फ़र्क पड़ता है। रियल मी भी क्या है कि कुछ ऐसा खास है नहीं, लाइक ओके है कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है, कुछ ऐसा क्रेजी है नहीं कि कलर ही बहुत ही अच्छा आ रहा हो या कुछ नहीं आ रहा हो, लाइक न्यूट्रल है, जैसे फोटो न्यूट्रल वाली थी ये भी न्यूट्रल है, जैसे आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, दैट्स इट। सबसे पहले आप डिवाइस देख सकते हैं, तीनों डिवाइसेस सभी एट द मोमेंट एंड्रॉइड 13 चल रही हैं। अब देखिए सैड पार्ट क्या है कि रेडमी के साथ अब चूंकि एकदम लेटेस्ट डिवाइस है, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड 13 से ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के वर्जन पर ये बेस नहीं है। रियलमी एंड मोटो अभी भी एंड्रॉइड 13 पे हैं, अपडेट वाइज इनको भी 2 साल का अपडेट और मिल जाएगा, यानी कि ये 14-15 जाएंगी। रेडमी भी 13 से है, ये भी 14-15 जाएंगी, अगर ये 14 से आ रहा होता तो शायद थोड़ा सा बेटर होता। ओके, छोटा सा आपको मैं स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस फोन का CPU कितना ऑप्टिमाइज है, रैम कितना ऑप्टिमाइज है, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं फ़ोन में तो कौन सा रोम बेटर चल रहा है। ओके, तो वैसे तीनों फ़ोन के CPU काइंड ऑफ आप क्लोज ही मान सकते हैं, अभी आपको मैं गेमिंग टेस्ट दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा बेटर अंदाजा लग जाएगा। एप्लीकेशन लॉन्चिंग तीनों फ़ोन में अच्छी है, सभी फ़ोन मिनिमम 8 and 12 GB रैम से भी आते हैं, तो और सभी फ़ोन में वर्चुअल रैम भी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। रेडमी में भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिल रही है, एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्मूथ है, एंड रियल में भी पहले का प्रोसेसर जानते हैं वो भी अच्छा था, मोटो भी अच्छा काम कर रहा है, तीनों फ़ोन में एप्लीकेशन प्रॉपरली मेमोरी में है, थोड़े से कुछ सेकंड का फ़र्क पड़ सकता है, अगर आप यू नो वो वेरी कर सकता है कौन सा एप्लीकेशन लोड कर रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड क्या है उससे फ़र्क पड़ सकता है। तो रोम की परफॉर्मेंस देखो तीनों फ़ोन में फ़िलहाल तो अच्छी है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आपको कोई मेमोरी की इश्यूज़ मिलेगी। अब HyperOS फ़िलहाल अभी तो कोई सीन है नहीं, पोको F5 में HyperOS सबसे पहले आने वाला है, लेट्स सी कि रेडमी में ये कब आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको HyperOS नहीं मिल रहा है। तो रोम के मामले में देखो तीनों अच्छे हैं, स्टॉक चाहिए तो आपको मोटो मिल रहा है, रेडमी भी ठीक है, अब ज़्यादा ब्लोटवेयर तो नहीं, लेकिन फिर भी अपडेट से मदरबोर्ड साथ क्या हो जाए तो उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। रियलमी में ऑफकोर्स आपको सबसे ज़्यादा ब्लोटवेयर मिल रहे हैं। तीनों फोन में देखिए सिमिलरिटी क्या है कि आपको डायमेंसिटी के CPU मिले हैं 7 सीरीज के 4 नैनोमीटर पर। नैनोमीटर से फ़र्क यही पड़ता है कि बैटरी की परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है तो उसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे BGMI प्ले किया, आपको मैं रिजल्ट बताता हूँ कि किसमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए वैसे देखा जाए तो तीनों में आप स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग लगाएंगे तो 60 FPS आपको मिल जाता है, और अगर आप HDR और अल्ट्रा लगाते हैं आपको 40 FPS मिल जाता है। कोई भी डिवाइस गेमिंग के लिए नहीं है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आपको एक्सट्रीम रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अब चूँकि रेडमी के CPU एकदम लेटेस्ट है 4 नैनोमीटर पे, थोड़ा ऑप्टिमाइज है, तो यहाँ पे मुझे जो गेमिंग के रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली 50-60 FPS पे गेमिंग कर ले रहा हूँ।
ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे क्लियर विनर रेडमी नोट 13 प्रो प्लस है, 4 नैनोमीटर काफ़ी अच्छा होता है। सबसे लाउडेस्ट स्पीकर जो मुझे मिले यहाँ पे वो मिले मोटो एच 40 नियो में, और रियल मी रेडमी में लाउडनेस नियरली बराबर है, लेकिन ओवरऑल जो साउंड का एक्सपीरियंस लगा ना, बेटर क्वालिटी ऑफ स्पीकर वो आपको मिल रहा है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में। पहले भी हमने देखा है रेडमी के फ़ोन्स के स्पीकर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये गुड ऑप्शन है कि बजट में आपको एक यू नो अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं। अब एट द लास्ट गाइस बैटरी एंड कुछ अदर चीज़ों की बात कर लेते हैं। तीनों फोन में आपको नियरली का एग्जैक्टली सेम बैटरी मिली है 5000। चार्जिंग रेट ऑफ कोर्स अलग है, अगर आपके लिए वो चीज़ मैटर करती है तो रेडमी आपको सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग प्रोवाइड करिए, फॉलोड बाय रेडमी, देन वी हैव दी मोटरोला। बैकअप पे क्या है गाइस, देखो मेरा तीनों फ़ोन का यूसेज काइंड ऑफ ओके है, जब हम टेस्ट करते हैं जब हम गेम करते हैं तो सब में हम, अब चूंकि ये सिमिलर तरह के टेस्ट हमने सब में परफॉर्म किए हैं, तो बैटरी बैकअप देखो वैसे तीनों फ़ोन है वो 2-3 चल जाते हैं, लाइक नेक्स्ट डे आसानी से चले जाते हैं, 36 आवर के आसपास खिंच जाते हैं, लाइक एक बार फुल चार्ज में यूसेज वेरी कर सकता है। लेकिन सबसे बढ़िया बैकअप जो मुझे मिल रहा है वो रेडमी मिल रहा है, बिकॉज ये 4 नैनोमीटर का जो CPU है ना वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला। ये समटाइम थर्ड डे भी चला जाता है, अगर मैं स्टैंड बाई में रखता हूँ तो 3 दिन ये बड़े आसानी से भी चल जाता है। ऑन दी एक्स्ट्रा सुपर डुपर एक्साइटिंग गाइस, रेडमी में अब आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, जो कि काफ़ी बिग डील है, जनरली ऐसा होता नहीं है, ये फर्स्ट बजट का रेडमी का फ़ोन है जिसमें आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है सेम चीज़ आपको मोटोरोला H40 नियो के साथ में, लेकिन आपको बजट फ़ोन का कंसर्न तो पता ही है, इसका आप रिपेयर देख लीजिएगा किस तरीके से अगर आप फ़ोन रिपेयर कराते हैं तो IP68 कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिकॉज ये सारी कंपनी ना सस्ते फ़ोन को उतने बेटर तरीके से टेस्ट नहीं करती हैं, सस्ता हो चाहे महंगा हो, जैसे सैमसंग एप्पल है उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, प्रॉपरली IP68 सर्टिफिकेशन कंप्यूटर से टेस्ट करके वेरीफाई होता है। ये लोग बस क्या करते हैं ना, बस फ़ोन को ग्लू लगाए चिपकाए टेप पे बांधा रबर बैंड लगाया आपका फ़ोन सील हो गया, ऐसे नहीं होता है, गलत तरीका होता है। सबसे कम दाम में अभी भी आपको बढ़िया एक्सपीरियंस लेना है तो ये फ़ोन आपको इजीली 20,000 का मिल जाता है, आसानी से 22 का विदाउट सेल मिलता है, अच्छी डील है, बेटर कैमरा, क्लीन सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले भी अच्छा है, स्लीक सा फ़ोन है, तमाम तरह की इसमें खूबियाँ हैं, अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड चला सकते हैं मोटो एच 40 नियो अभी भी स्टेलर डील है। रियलमी का क्या है, देखो ये फ़ोन कंसिस्टेंट फ़ोन है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, कैमरा भी डिसेंट है, डिस्प्ले भी ओके है, मतलब किसी भी फील्ड में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बेकार में जा रहा है। इस फोन में देखिए कमाल क्या है कि देखो लुक तो अच्छा है ही है, कर्व डिस्प्ले के फैशन ये भी आ गया है तो वो तो अब सभी फ़ोन दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ कमाल है नहीं। बिगेस्ट वाव फैक्टर यहाँ पे जो है वो बस कलर का आ रहा है, जो डिस्प्ले ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, तो सभी एरिया से इम्प्रूव हुआ है रेडमी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, तो रेडमी आपके लिए ठीक चॉइस है। अगर आप रेडमी का फ़ोन चलाते आ रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए तो अच्छा ऑप्शन दे रहा है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रियल ड्रॉप टेस्ट कमिंग वेरी सून।